जीतती है, जहां जहां आपकी पार्टी जीत रही है, या मान लीजिए एक मिनट के लिए मान लीजिए कि आपकी पार्टी आज जीत जाती है, तो भी ईवीएम दोषी होगी। देखिए जब चोर चोरी करता है ना तो एक साथ सब अनुभव है ना, इनका इनका अनुभव सुन लीजिए भाई, ये बहुत चोरी का एक्सपर्ट है, 70 साल चोरी की है, इनका अनुभव सुन लीजिए जरा। लोकतंत्र के इतने बड़े चोर हो गए हैं कि इन्होंने जो है एक जैसे आप उपचुनाव में आप उठा के देख लीजिए, उपचुनाव से कभी सरकार नहीं बनती है, इसलिए वहां पे और इन्होंने ये विपक्ष को चिढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। अच्छा आप दोनों एक मिनट आप दोनों लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं, ईवीएम से जुड़ा जो भी विवाद था उसकी क्लियर कट इंफॉर्मेशन और सारी न्यूज मुझे याद है। जिस समय ये विवाद उठा था सबसे पहले केजरीवाल ने उठाया था वहां पर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने न्योता दिया। हाँ, केजरीवाल के लोग क्या न्योता दिया था? पहले पेपर से चुनाव कराने में क्या प्रॉब्लम है? स्वरा भारद्वाज आप बात कर गए थे, स्वरा भारद्वाज क्या बात करते हैं आपको पता नहीं? देवेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं, मत तोड़िए रमन जी। हम नेता लोग रमन जी देखिए, जो पार्टी 70 साल देश को लूटी है, जिसने लोकतंत्र की हत्या की इमरजेंसी लगा के फैसले शुरुआती रुझानों में बीजेपी 16 सीटों पर आगे है, अभी एक अपडेट है ईवीएम के साथ, तो कल का दिन कल बीजेपी 18 और कांग्रेस 17। देखिए अब लगभग बराबर हो रहा है रमन जी, अब लगभग बराबर हो रहा है, बीजेपी 18 और कांग्रेस 17। बीजेपी आगे जाएगी, अभी बीजेपी सरकार मान ली आपने, नहीं सरकार मान ली आपने, नहीं हाथ थोड़ी मान ली, सुन लीजिए इन्होंने ईवीएम से लूट की है, लूट की लोकतंत्र की हत्या की है, लगातार हत्या कर रहे हैं और इस देश को बर्बाद करके छोड़ने का काम लोग एजेंडा नहीं ईवीएम के अलावा, ईवीएम के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ईवीएम नहीं तो ईवीएम है, मेरी बात तो इसी से बचेगा, चोरी कर ले रहे हैं लोग, इसी से बचेगा। विपक्ष का आखिरी घर अटका रहा है, अब इनकी बौखलाहट, इनकी निराशा, सारी संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, युवा यहाँ तक कि अभी आपके चैनल पर मीडिया को भी बिकाऊ कर दिया, मीडिया के सर्वे को भी बिकाऊ कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, बिकाऊ है, शर्म आना चाहिए। देवेंद्र जी एक मीडिया का बिकाऊ कर रहे हैं, शब्दावली देख लीजिए, शब्दावली का बौखलाहट है, आपकी बौखलाहट नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये, चोरी करेंगे आपको भी आगे हैं, कुमार स्वामी कोई भी होगा, एचडी देवेगौड़ा के बेटे रामनगर से आगे चल रहे हैं, ये अभी तक का अपडेट है। ये देश का लोकतंत्र, इससे जरा पूछिए आपके मीडिया चैनल के मीडिया को दिखाऊ कर रहे बड़ी खबर है, कांग्रेस 15 सीटों पर, जेडीएस 6 सीटों पर आ गया, सिद्धरमैया दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। ऐसा है देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक सीरियस डिबेट में बैठ के सीरियस बातें करना ज्यादा बेटर होगा। अब मीडिया को आप बिकाऊ चाहेंगे? नहीं, मीडिया सीरियस हो चुका है, नहीं तो मीडिया को बिकाऊ कर रहे हैं, लोगों ने किसी चैनल पर बैन कर देना चाहिए, सुनिए देवेंद्र प्रताप सिंह, पहली बात तो ये है कि मीडिया को खरीद लेना, ये करना वो करना, ये सब ये डिबेट के लिए यहाँ पे हम सब नहीं बैठे हैं। हमारा